ये पार्ट हैचेट सीरीज का दूसरा पार्ट है जिसमें फर्स्ट पार्ट की कहानी को कंटिन्यू किया गया है। इसलिए गाइस अगर आपने इसका फर्स्ट पार्ट नहीं देखा है तो पहले उसे देखना बेहद ज्यादा जरूरी है, नहीं तो मूवी की कहानी आपको बिल्कुल भी समझ नहीं आएगी। हैचेट के फर्स्ट पार्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो मूवी की कहानी वही से शुरू होती है जहाँ फर्स्ट पार्ट एंड हुआ था, और हमने देखा था कि मैरीबेथ विक्टर क्राउली के चंगुल में बुरी तरह से फंस गई थी, जिससे हमें लगा था कि विक्टर बुरी तरह से उसे भी मार देगा। लेकिन तब किसी तरह मैरीबेथ विक्टर की आग फोड़ देती है जिससे विक्टर वही पानी में गिर जाता है। तब उसी मौके का फायदा उठाकर मैरीबेथ वहां से भागने की कोशिश करती है, और किस्मत से उसे वहां वही आदमी देख लेता है जो फर्स्ट पार्ट में उन्हें चिल्ला चिल्ला कर स्वैम्प में जाने से रोक रहा था। उस आदमी का नाम था जैक। वो उसे बचाकर अपने घर लाता है जहां मैरीबेथ उसे सारी कहानी बताती है कि कैसे विक्टर क्राउली ने सबको मार दिया। वो उसे अपने बाप और भाई के बारे में भी बताती है, जिस पर जैक उससे उसका नाम पूछता है। तब मैरीबेथ के अपना पूरा नाम बताने पर जैक को पता चलता है कि मैरीबेथ डस्टन की ही बेटी है। उसका नाम सुनते ही जैक काफी गुस्सा हो जाता है और उसे अपने घर से निकल जाने को कहता है, जिस पर मैरीबेथ कंफ्यूज हो जाती है क्योंकि उसे समझ नहीं आ रहा था कि अचानक जैक का मूड क्यों बदल गया। इसलिए वो उससे हालत जानने की कोशिश करती है, लेकिन जैक सीधा उस पर अपनी गन तान कर बोलता है कि अगर उसे सच्चाई जाननी है तो वो रेव ज़ॉम्बी के पास चली जाए। ये सुनकर मैरीबेथ वहाँ से निकल जाती है, लेकिन कुछ देर बाद जैक को वहाँ किसी के होने की आहट होती है। इसलिए वो अपनी शॉटगन उठाकर अलर्ट हो जाता है, लेकिन वो कुछ करे इससे पहले ही क्राउली वहाँ आकर उस पर हमला कर देता है और उसके पेट से सारी हथेलियाँ बाहर निकालकर उसी का गला घोट देता है, जिसके बाद वो उसका सर धड़ से अलग करके काफी बुरी तरह से उसे मार देता है। तब तक इधर मैरीबेथ स्वयं से निकलकर रेव ज़ॉम्बी के पास आती है। रेव ज़ॉम्बी वही आदमी था जो पहले पार्ट में स्वयं टूर करवाता था, लेकिन बेन के वहां जाने पर उसने ट्रिप पर जाने के लिए मना कर दिया था। मैरीबेथ उसके घर में जाकर उसे क्राउली की सारी कहानी बताती है, जिस पर रेव ज़ॉम्बी काफी दुखी हो जाता है क्योंकि उन सब में शॉन भी था जो उसी का आदमी था। और जैसा कि हमें पिछले पार्ट में पता चला था कि शॉन कोई प्रोफेशनल टूर गाइड नहीं था, बल्कि पैसों के लालच में उसे वहां उसके भाई ने भेजा था। अब मैरीबेथ रेव ज़ॉम्बी को अपने डैड का नाम बताकर उसे पूछती है कि वो उसके बारे में क्या जानता है, जिस पर रेव ज़ॉम्बी उसे एक कहानी सुनाता है और बोलता है कि जब वो छोटा बच्चा था तब थॉमस क्राउली नाम का आदमी अपनी बीमार बीवी शाइन के साथ उस जंगल में रहता था, जहाँ शाइन की बीमारी की वजह से उन्हें कोई बच्चा नहीं हुआ था। शाइन का इलाज करने वहाँ एक नर्स आया करती थी जो धीरे धीरे थॉमस के करीब आने लगी, और थॉमस भी उससे अटैच होता गया। जिसके बाद ऐसे ही दिन बीतते गए और उस घर में शाइन का इलाज होने के बजाय उन दोनों की रंगरलियाँ चलने लगी। इस बात की खबर शाइन को भी हो गई थी, जिससे उसकी हालत और भी ज्यादा खराब हो गई और धीरे धीरे वो अपने मौत के करीब जाने लगी। तब अपनी आखिरी सांसें गिनते हुए उसने नर्स को एक कर्ज दिया कि उसे जो बच्चा होगा वो एबनॉर्मल होगा, जिससे सारी दुनिया नफरत करेगी और वो जिंदगी भर तकलीफ में जिएगा। अब शाइन के मरने के कुछ दिनों बाद ही नर्स ने एक बच्चे को जन्म दिया जो वाकई में काफी बदसूरत था। अपने बच्चे का इतना बदसूरत चेहरा देखकर वो नर्स वही अपना दम तोड़ देती है, जिससे थॉमस बिल्कुल अकेला हो जाता है। और थॉमस को पहले से ही एक बच्चा चाहिए था, लेकिन शाइन की बीमारी की वजह से उसका ख्वाब पूरा नहीं हो पाया था, और अब तो वो नर्स भी मारी गई थी। इसीलिए वो उसी बच्चे को विक्टर नाम देकर संभालने का फैसला करता है, जिसके बाद धीरे धीरे उन दोनों में लगाव बढ़ जाता है। लेकिन उसे पता था कि दुनिया विक्टर को एक्सेप्ट नहीं करेगी, इसलिए वो उसे दुनिया से छुपा कर रखने की पूरी कोशिश करता है। लेकिन एक दिन वही हॉलोवीन फेस्टिवल की रात आ जाती है, जहाँ तीन बच्चे विक्टर को परेशान करने उसके घर गए थे, और उनके उसी शरारत के चलते थॉमस के हाथों विक्टर मारा गया, जिसके कुछ दिनों बाद थॉमस भी मारा गया। तभी से वहाँ के लोगों की गायब होने की खबरें आने लगी और धीरे धीरे ये सिलसिला बढ़ता गया, जिसकी वजह से स्वयं बंद हो गया और रेव ज़ॉम्बी का टूर करवाने का धंधा भी चौपट हो गया। ये कहानी सुनकर मैरीबेथ पूछती है कि इसमें उसके बाप का क्या दोष है, जिस पर रेव ज़ॉम्बी बताता है कि जिन तीन बच्चों की वजह से विक्टर मारा गया उनमें से एक था डस्टन, जिसकी वजह से सभी लोग स्वयं की इस हालत का जिम्मेदार उन तीन बच्चों को मानने लगे। ये सुनकर मैरीबेथ बोलती है कि वो दोबारा उसे स्वैंप लेकर जाए, क्योंकि उसे उसके डैड और भाई की बॉडी लानी थी। ये सुनकर रेव ज़ॉम्बी समझ जाता है कि मैरीबेथ को विक्टर से बदला लेना है, इसलिए वो पहले उसे समझाता है, लेकिन मैरीबेथ मानने का नाम ही नहीं ले रही थी। तभी उसके दिमाग में एक प्लान आता है कि अगर वो वहाँ कुछ लोगों को लेकर गया और विक्टर को मार पाया तो स्वैंप फ्री हो जाएगा और उसका धंधा फिर से चल पड़ेगा। इसी प्लान के चलते वो मैरीबेथ के सामने एक शर्त रखता है कि वो उसे स्वैंप लेकर जाएगा, लेकिन उसके लिए उसे अपने साथ किसी को लाना होगा, जिस पर मैरीबेथ उसके साथ अपने अंकल को लाने का वादा करती है, जिससे रेव ज़ॉम्बी काफी खुश हो जाता है और एक इविल स्माइल पास करता है। इसके कुछ देर बाद वो वहाँ कुछ लोकल हंटर्स को बुलाता है, जिनमें मैरीबेथ और उसके अंकल भी थे।
रेवजोम भी उन्हें पैसों का लालच देकर साथ चलने को कहता है, लेकिन विक्टर क्राउली का नाम सुनते ही वहाँ के आधे से ज्यादा लोग चले जाते हैं। तब बचे लोगों को रेवजोम भी काफी समझाता है, जिसमें ट्रेन टाम के आदमी को वो और ज्यादा पैसे देने का वादा करता है, इसलिए वो लोग वहाँ जाने के लिए मान जाते हैं और उनकी 11 लोगों की टीम बन जाती है, जिसमें थे ट्रेंट, लेटन, एवरी, जॉन, वर्नर, क्लेटस, चैड और मेरीबेथ का अंकल बॉब। अब वो सब वहाँ विक्टर का शिकार करने निकले थे, जहाँ स्वयं पहुँचने में उन्हें शाम हो जाती है और सब लोग मेरीबेथ के बताए रास्ते पर विक्टर का घर ढूंढने की कोशिश करते है, लेकिन मेरीबेथ को अब वो घर मिल ही नहीं रहा था, इसलिए रेवजोम भी फैसला करता है कि उन्हें कुछ टीम्स में बंटकर वो घर ढूंढना होगा, इसलिए वो सब 4 टीम्स में बंट जाते हैं, जिनमें रेवजोम भी काम के लोगों को अपने साथ ले जाता है और क्लेटस और कैड पोर्ट के पास रुकते है, जहाँ वो इस सबको मजाक में लेकर एलिगेटर्स पकड़ रहे थे, लेकिन तभी उन्हें वहाँ किसी के होने की आहट होती है और देखते ही देखते विक्टर क्लेटस पर हमला कर देता है और अपने हैचेट से उसका चेहरा पूरी तरह से फोड़ देता है। ये देखकर कैड काफी ज्यादा घबरा चुका था, इसलिए वो बोट लेकर वहाँ से भागने की कोशिश करता है, लेकिन विक्टर उसे पकड़कर पानी में डुबाता है और उसी बोट के पंखे से उसका सर कुचल देता है, जिससे कैड की वही मौत हो जाती है। इधर जस्टिन को रेवजोम्बी पर शक हो रहा था, इसलिए वो उससे सच्चाई पूछता है। तब रेवजोम्बी उसे उसके असली प्लान के बारे में बताते हुए बोलता है कि जिन 3 बच्चों की वजह से विक्टर मारा गया था, उनमें एक तो था डस्टन, लेकिन दूसरा था डस्टन का भाई यानी अंकल बॉब और तीसरा था ट्रेंट। रेवजोम्बी जस्टिन को बताता है कि विक्टर बदला चाहता है और एक बार वो 3 बच्चों को यानी अंकल बॉब और ट्रेंट को मार देगा, तब उसका बदला भी पूरा हो जाएगा और स्वयं फ्री हो जाएगा। यानी रेवजोम्बी ने मरवाने के लिए जानबूझकर उन लोगों को यहाँ लाया था। इधर लेटन और एवरी बड़े ही रोमांटिक हो रहे थे, जहाँ कुछ ही देर बाद वो एक दूसरे से चिपक जाते है और हालात को नजरअंदाज करके वही शुरू हो जाते है। तभी अचानक विक्टर वहाँ आ जाता है और उन्हें डिस्टर्ब किए बिना ही लेटन का सर काट कर धड़ से अलग कर देता है। अब जब एवरी सब देखती है तो काफी घबरा जाती है, लेकिन वो ऐसे हालत में थी कि वहां से भाग भी नहीं पाती, तो विक्टर अपने हैचेट से उसे भी बुरी तरह से मार देता है। इधर वार्नर और जॉन दूसरी तरफ विक्टर का घर ढूंढने की कोशिश कर रहे थे, तभी उन्हें वहां किसी मशीन के चलने की आवाज आती है जो उन्हीं की तरफ पड़ रही थी, और तभी विक्टर क्राउली एक बड़ा चेंसवा लेकर उनके सामने आ जाता है। ये देखकर वो दोनों भागने की कोशिश करते हैं, लेकिन विक्टर अपने चेंसवा से एक साथ ही उन दोनों को बीच में से काटकर मार देता है। इधर आखिरकार मेरीबेथ के टीम को विक्टर का घर मिल जाता है, जहां वो सब मेरीबेथ के फैमिली की बॉडी ढूंढने लगते हैं, लेकिन उन्हें वहां कोई बॉडी नहीं मिलती, इसलिए अब वो सब विक्टर को मारने की तैयारी करते है, जहाँ रेवजोम्बी के दिमाग में कुछ और ही चल रहा था। तब अंकल बॉब मेरीबेथ को सेफ रखने के लिए कहीं छिपने को कहता है और उसके साथ जस्टिन को भी भेज देता है। तब जस्टिन मेरीबेथ को रेवजोम्बी की सच्चाई बताते हुए बोलता है कि वो अंकल बॉब और ट्रेंट को मरवाने वाला है। यह सुनकर मेरीबेथ अंकल बॉब को वार्न करने भागती है और जस्टिन वहां अकेला ही रह जाता है। तब विक्टर क्राउली उसे भी पकड़ लेता है और एक मशीन से उसके सर का कीमा बनाकर उसे भी मार देता है। तब मशीन की आवाज सुनकर ये सभी जस्टिन की तरफ जाने लगते है, जहाँ मेरीबेथ अंकल बॉब को रोकने की कोशिश कर रही थी, लेकिन अंकल बॉब उसकी बात सुनने को भी तैयार नहीं था। तब विक्टर दरवाजा तोड़कर ट्रेंट पर हमला कर देता है, लेकिन ट्रेंट भी कोई कच्चा खिलाड़ी नहीं था, वो भी विक्टर को कड़ी टक्कर दे रहा था, जिसमें विक्टर उसके सामने कमजोर पड़ने लगा था। तब ट्रेंट पास पड़ा एक बड़ा सा चाकू उठाकर विक्टर को मारने ही वाला था कि तभी विक्टर उस पर हमला करके उसका पैर तोड़ देता है, जिसके बाद वो उसके मुंह को एक टेबल में फंसा कर पीछे से लात मारता है, जिससे ट्रेंट का सर दर्द से अलग होकर वही उसकी मौत हो जाती है। इधर रेवजोम्बी बॉब को घायल करके मेरीबेथ को जबरदस्ती घर से बाहर लाता है और बॉब को विक्टर का चारा बनाकर उस घर में ही बंद कर देता है। तब विक्टर अंदर बॉब को पकड़ लेता है और बुरी तरह से उसे मारने लगता है, जहां बाहर से मेरीबेथ सब कुछ देख रही थी, लेकिन वो कुछ भी कर नहीं पाती और अंकल बॉब उसकी आंखों के सामने मारा जाता है, जिसके बाद रेवजोम्बी को लगता है कि विक्टर का बदला पूरा हो गया, जिससे अब वो लोगों को मारना बंद कर देगा, इसलिए वो काफी खुश हो जाता है। लेकिन अब मेरीबेथ उसकी सच्चाई पुलिस को बता सकती थी, इसलिए वो उसे वही जान से मारने की कोशिश करता है, लेकिन वो गोली चलाता इससे पहले ही विक्टर अपना हैचेट लेकर उसके सामने आ जाता है, इसलिए वो मेरीबेथ को छोड़कर विक्टर पर हमला करने की कोशिश करता है, लेकिन विक्टर उसी हैचेट से रेवजोम्बी के 2 टुकड़े कर देता है। लेकिन अब भी रेवजोम्बी मरा नहीं था, तब विक्टर एक हाथ से उसकी चमड़ी और दूसरे हाथ से उसकी स्पाइन पकड़कर खींच देता है, जिससे रेवजोम्बी का शरीर उसकी खाल से अलग हो जाता है और तड़प तड़प कर उसकी मौत हो जाती है। तब तक मेरीबेथ मौके का फायदा उठाकर उसके हैचेट से उस पर हमला कर देती है, जिससे विक्टर नीचे गिर जाता है। तब मेरीबेथ उसे थोड़ा भी समय न देकर उस पर टूट पड़ती है और उसके सर पर बार बार वार करके उसका थोपड़ा क्रैश कर देती है, जिससे विक्टर लगभग मारा जाता है।
लेकिन फिर भी मैरीबेथ कोई रिस्क नहीं लेना चाहती थी, इसलिए वो पास पड़ी गन उठाती है और आखिरी गोली मारकर विक्टर के सर के चीतड़े उड़ा देती है। और पिछले पार्ट की तरह ही यह मूवी भी सस्पेंस के साथ ही खत्म हो जाती है।